गुल्ली बुल्ली और शॉन आज घर पे आराम कर रहे हैं, लेकिन ये शॉन कहाँ पे है? ये तो छत पे बैठा हुआ है और गुल्ली बुल्ली इसको देख रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली यहाँ से तो कोई पतंग ही नहीं दिख रही है, मुझे आखिर कोई पतंग क्यों नहीं दिख रही है? गुल्ली कहता है कि शॉन भला रात में कौन पतंग उड़ाता है, जल्दी से नीचे आ जाओ। शॉन कहता है कि नहीं गुल्ली बुल्ली, मैंने ठान लिया कि मैं बिना पतंग लिए यहाँ से नीचे नहीं उतरूंगा और तुम लोग बस देखते जाओ, जल्दी मैं ढेर सारी पतंग पकड़ लूंगा, फिर मैं खुद को पतंग के साथ बांध के खुद भी हवा में उड़ने लगूंगा। बुल्ली कहता है कि गुल्ली ये शॉन को अचानक से उड़ने का भूत कैसे सवार हो गया, तुम्हें कुछ पता है क्या? गुल्ली कहता है कि बुल्ली आज इसने सुपरमैन वाली मूवी देख ली है, इसलिए इसके सिर पे उड़ने का भूत सवार है। खैर देखते हैं ये ऊपर कितनी देर तक रहता है, तब तक मैं बैठ के थोड़ा आराम करता हूँ, तुम इस पे ध्यान रखना। और तभी यहाँ पे रॉड आ जाता है और इन लोगों से कहता है कि गुल्ली बुल्ली कैसे हो तुम लोग? बुल्ली कहता है कि हम तो ठीक हैं रॉड, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? रॉड कहता है कि मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था, वहाँ से मैंने तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम लाई है, मैंने सोचा कि तुम्हें भी आइसक्रीम खिला दूँ। रॉड की बातें शॉन भी सुन लेता है और खुशी के मारे नीचे गिर जाता है। ये लोग फौरन शॉन के पास आ जाते हैं। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये शॉन कहाँ से टपका? बुल्ली कहता है कि रॉड ये पतंग पकड़ रहा था और ये छत से नीचे गिर गया, अब इसको पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तभी शॉन अचानक से खड़ा हो जाता है और इनसे कहता है कि अरे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, चल के आइसक्रीम खाते हैं। गुल्ली कहते हैं कि चलो घर के अंदर चलते हैं, मोटू पतलू देखते हुए खाएंगे। और अब ये लोग घर के अंदर आ गए हैं और इन लोगों ने सारी आइसक्रीम भी खा ली है। बुल्ली कहता है कि रॉड ये आइसक्रीम तो बहुत कमाल की थी। रॉड कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बुल्ली। गुल्ली कहता है कि शॉन तुम जाके जरा कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, फ्रिज में होंगी कुछ बॉटल्स। शॉन कहता है कि गुल्ली वो बॉटल्स तो मैंने पहले ही खाली कर दी हैं, दरअसल मैंने उन बॉटल से रॉकेट बना रहा था लेकिन उन बॉटल से कुछ भी नहीं हो पाया। बुल्ली कहता है कि शॉन आखिर तुम्हें ये सब सिखा कौन रहा है? शॉन कहता है कि अरे इन सबके पीछे मेरा ही दिमाग है, चिंता मत करो, एक दिन मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के तुम्हारे दिमाग पे भी रिसर्च करूंगा। गुल्ली कहता है कि वो सब ठीक है शॉन, लेकिन अब तुम जरा दुकान पे जाओ और जाके कोल्ड ड्रिंक के पैकेट्स लेके आओ। अरे गुल्ली कोल्ड ड्रिंक के पैकेट थोड़ी ही ना मिलते हैं, अरे मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स लेके आओ, जल्दी जाओ अब तुम। अरे इनकी बातें सुन के तो रॉड को नींद आ गई है और ये सो चुका है। शॉन कहता है कि तुम लोग सारे काम मुझसे ही करवाते हो, चलो कोई बात नहीं मैं जाता हूँ और फौरन आता हूँ। और अब शॉन कोल्ड ड्रिंक लेने निकल पड़ा है और ये इस बार बिना गाड़ी के जा रहा है और ये सोच रहा है कि बड़ा होने के बाद ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन शायद शॉन का कोई पीछा कर रहा है। शॉन चलते चलते दुकान पे आ जाता है और दुकान वाले अंकल से कहता है कि आप जल्दी से मुझे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स दे दो। दुकान वाले अंकल कहते हैं कि कितनी बॉटल चाहिए तुम्हें शॉन? शॉन कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस 3-4 दे दो, इतना काफ़ी होगा। और ये कोल्ड ड्रिंक ले लेता है और दुकान वाले अंकल से कहता है कि मैं घर जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। और अब ये घर की ओर जाने लगता है। शॉन का मन कोल्ड ड्रिंक्स को रास्ते में ख़त्म कर देने का हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि सभी को सही सलामत घर लेते जाए। लेकिन तभी सामने से वही आदमी दिखाई देता है जो कि कुछ ही देर पहले शॉन के पीछे था। ये आदमी शॉन के पास आके खड़ा हो जाता है। शॉन को इस आदमी से थोड़ी घबराहट हो रही है और इसको देख के इसे मिस्टर मीट की याद आ गई। ये आदमी इससे कहता है कि और छोटू कहाँ जा रहे हो? शॉन इसको बोलता है कि मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ। ये आदमी इससे कहता है कि मैं एक जोकर हूँ, कहो तो मैं तुम्हें हंसा के दिखाऊं। शॉन जोकर सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। शॉन कहता है कि हाँ हाँ जरूर। इतना सुनते ही इस आदमी ने शॉन को बेहोशी वाले इंजेक्शन लगा दिए और शॉन यहीं पे ढेर हो गया। और इसका मतलब ये सच में मिस्टर मीट ही है जो कि भेस बदल कर यहाँ पे आया है। शॉन को बेहोश करके बहुत खुश हो गया है अब। और अब ये किसी को फोन लगाने लगा और ये कहता है कि मामा मैंने छोटे वाले को बेहोश कर दिया है, जल्दी गाड़ी लेके आ जाओ। और तभी यहाँ पे मिस्टर मीट के मामा गाड़ी लेके आ जाते हैं। मिस्टर मीट कहता है कि ये रहा वो, इसको गाड़ी में रख देते हैं। मिस्टर मीट के मामा कहते हैं कि मिस्टर मीट बाकी के दोनों कहाँ पे हैं? मिस्टर मीट कहता है कि वो उस घर में हैं, चल के हल्ला बोल देते हैं उन पे।
मिस्टर मीट के मामा कहते हैं कि तुम जाके उन दोनों को बाहर बुलाओ, तुम्हारा हुलिया जोकर जैसा है, वो आसानी से आ जाएंगे, फिर हम हल्ला बोल देंगे उनपे। और यहाँ पे दोनों बैठ के शॉन के कोल्ड ड्रिंक लाने का इंतजार कर रहे हैं, और बुल्ली कंप्यूटर पे बैठ के मोटू पतलू देख रहा है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली मैं भी समोसा खाना शुरू कर दूँ क्या, मुझ में भी मोटू जैसी ताकत आ जाएगी, फिर मैं पूरी दुनिया से गुंडों को ख़त्म कर दूंगा, क्या कहते हो तुम? गुल्ली कहता है कि हाँ हाँ बुल्ली क्यों नहीं, और समोसे लाना तो मेरे लिए भी ले आना। और यहाँ पे मिस्टर मीट इनके घर के पास आ रहा है, और ये दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया। जैसे ही गुल्ली बुल्ली में से कोई बाहर आएगा तो ये उन पे हमला कर देगा। और इधर मिस्टर मीट के मामा ने शॉन को गाड़ी में रख दिया है, और अब शायद ये शॉन को यहाँ से लेके जाने वाला है। तो दोस्तों अब क्या होगा इन लोगों का, और ये दोनों इनको क्यों पकड़ रहे हैं, और शॉन अब बच पाएगा या नहीं, ये सब देखेंगे हम अगली वीडियो में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।